नमस्कार दोस्तों, शॉटगन की नई वीडियो में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और डबल बैरल इंपोर्टेड शॉटगन की बहुत दर्शकों को डिमांड रहती है, वीडियो बनाई जाए। तो आज ये मेरे हाथ में है, एक मेड इन इंग्लैंड, लंदन की है ये गन, जो कि है हमारी मेंटन्स एंड कंपनी लंदन कैलकाटा। ये ब्रिटिश काल की गन है ये, शायद थर्टी बैरल लेंथ में है। और इसकी जो लेफ्ट बैरल है ये सेमी चोक में है, चोक है हल्की, ये सेमी चोक है। लेकिन जो इसकी राइट बैरल है ये पूरी तरह से सिलेंडर बोर है, ये पूर्ण रूप से सिलेंडर बोर है। और ये इसकी सेफ्टी आ गई, जब फायर करना होता है तो इसको हमने ऐसे आगे करना होता है, जब इसको हम पीछे करेंगे यहाँ पे तो ये सेफ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये गन फायर नहीं होगी, ये देखो। और जब हम इसको आगे करेंगे तो ये गन फायर हो जाएगी। और मैंने इसके अंदर कारतूस डाला है, डमी कारतूस, ये इसकी लेफ्ट बैरल में नॉन इजेक्टर गन है, जैसे कि मैंने बताया आपको। कारतूस इसमें खुद निकालना पड़ता है फायर के बाद। और इसका बिल्कुल एलाइन बट है, बहुत ही, इससे इसका वजन कम है, कम वजन में है ये गन, ये 130 बैरल में है। और एलाइन बट है बिल्कुल इसका, यहाँ से बहुत ही पतला लुक है, बहुत ही पतला ग्रिप है इसका। 30 इंच बैरल लेंथ है इसकी पूरी, 30 इंच। मेरे हाथ में है ये मेंटन एंड कंपनी लंदन एंड कैलकाटा लिखा है इस गन के ऊपर, जैसे कि अभी हमने इसके बारे में बताया। और इस पर, इससे हम दो फायर करेंगे। इसकी ये सिलेंडर बोर है राइट साइड की, राइट बैरल फुल सिलेंडर है ये, इसमें मैंने शक्तिमान का एक नंबर डाला। और ये इसको हमने अब फायरिंग मोड पे कर दिया है और फायर कर रहा हूँ। ये 3 पेपर पे टारगेट लगाया हमने, लगभग 13 मीटर से, 12-13 मीटर से। बहुत झटका दिया इसने, और काफी जोरदार झटका लगा मुझे इसका। और कारतूस भी ये शक्तिमान का था, नॉन इजेक्टर है ये। और हालांकि मैंने ये सिलेंडर बोर से फायर किया इसका, तो देखते हैं कहाँ लगी है। इसने काफी बड़ा ग्रुप दिया है, ये A3 पेपर है, इसको हम नापेंगे फिर जा करके, क्योंकि ये सिलेंडर बोर से चलाई, यहाँ वेट टकराई है इसकी, वेट निकल गई है यहाँ से। अब एक इसकी चोक बोर से फायर करके देखते हैं। अभी हमने इसका सिलेंडर बोर से फायर किया, अब मैं इसके लेफ्ट में डाल रहा हूँ जो कि फुल चोक है। और पहले ही मुझे जोरदार झटका लगा हुआ है, तो अब फिर वही 12-13 मीटर से फायर कर रहे हैं हम, फिर काफी झटका लगा है। ये थोड़ा मेरे से लेफ्ट लगी जल्दबाजी में, और लेकिन ये फुल चोक है और ये बहुत ही क्लोज ग्रुप है, बेहद क्लोज ग्रुप है। ये फुल चोक से जो हमने फायर किया A3 पेपर पर, ये इसका अगर डाया देखिए हम, तो डाया इसका ज्यादा से ज्यादा 6 इंच है, तो 3 इंच रेडियस में इसके पैलेट्स गए हैं मैक्सिमम ये। और ये फुल चोक था ये सिलेंडर बैरल से जो हमने फायर किया, पूरा ये A3 पेपर कवर किया है। और इसका अगर हम डाया देखते हैं तो ये हमारे पास लगभग 11 सेंटीमीटर
थोड़े एक दो यहाँ भी गए, एक फुट मान सकते हैं हम इसको, यहाँ एक फुट में। तो ये डिफरेंस है फुल चोक और फुल और सिलेंडर कोर का। तो जहाँ इसके ये लगभग एक फुट में गए हैं सिलेंडर बोर के, तो इसके सारे के सारे ये 6-7 इंच में गए हैं। तो वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।